नमस्कार, नीतू का ढाबा यमिलेशस में आप सबका स्वागत है। रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है एक खिचड़ी। ये है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस खिचड़ी जो कि बनी है साबुत मसूर की दाल से। तो आइए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। भाई, आज हम बना रहे हैं एक खिचड़ी। खिचड़ी है मसूर के दाल की खिचड़ी, जो साबुत मसूर होती है उसकी खिचड़ी। साबुत मसूर सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती है, और जैसे कि आप सब जानते हैं दिल्ली में तो खूब ठंड पड़ रही है। यहाँ टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री या 3 डिग्री में चल रहा है, अच्छी खासी ठंड है। तो क्यों ना इस ठंड में हम एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म सिंपल सी बट यमी सी और हेल्दी खिचड़ी बनाएं। तो चलिए जान लेते हैं खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए, ये मैंने ये मसूर की साबुत मसूर की दाल है और ये चावल है। ये मैंने जो मसूर की दाल है उसको करीबन 2 घंटे भिगो के रखा है, 1 कटोरी, और 1.5 कटोरी मैंने चावल लिया है। साबुत मसूर भिगोना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो कच्ची रह जाती हैं, अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा मैं ये ले रही हूँ 1 कटोरी मटर, हमारा हींग, और जो रेगुलर हमारे मसाले होते हैं मसालदानी में वो। और इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा हमारा गरम मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जला लेते हैं अपनी गैस, कुकर रख लेते हैं, गैस जला लेते हैं, और इसमें हम डालेंगे अपना घी। भाई, इतनी सर्दी में तो अगर गर्मा गर्म खिचड़ी भी मिल जाए खाने को तो मजा आ जाता है। और मैं इसमें सिर्फ मटर का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो मटर के अलावा गाजर है, प्याज है, आलू है, गोभी है, जो वेजीज डालना चाहे डाल सकते हैं। भाई, सर्दियां हैं, खूब सारी अच्छी अच्छी वेजीज मिलती हैं। सर्दियां तो भरी पड़ी होती, मतलब सब्जियों से मार्केट भरा पड़ा होता है सर्दियों में, और सब्जियां खाने का मजा सर्दियों में ही आता है। तो आप इसमें जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, बट आज मैं सिंपल सिर्फ मटर डाल के बना रही हूँ। बाकी ये टोटली ऑप्शनल है, जो आपका मन करे वो आप खा सकते हैं। तो देखिए, मैं ये डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी भी पूरा जमा हुआ है, थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि सर्दी इतनी है भैया, 2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर में तो सभी जम जाता है। अब घी जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे हींग, हींग पाउडर। इसमें आप अपना लहसुन भी डाल सकते हैं, गार्लिक का फ्लेवर अगर आपको पसंद हो तो आप गार्लिक भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी राई। राई के अलावा हम ये जीरा भी डाल देंगे। अब बस वेट करेंगे ये राई और जीरा चटकने का। राई और जीरा हमारा चटकने लगा है, आवाज आने लगी है, बारी आती है ये मटर डालने की। हमने इसमें मटर डाल दिया है। मटर भी इसमें थोड़ा सा हम भून लेते हैं मटर को। मटर वैसे तो इसमें गल जाती है अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा सा हम इसको स्टार्टिंग में फिर भी भून लेते हैं। ये हमारी मटर इसमें बस हो गई है। अब बारी आती है हमारे इसमें ये दाल चावल डालने की।
आंच को मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ और इसमें मैं ये दाल चावल डाल देती हूँ। हम खिचड़ी कई दालों से बनाते हैं, मिक्स दाल से भी बनती है, अरहर की दाल से, मूंग की दाल से, और सर्दियों में जो साबुत काली उड़द होती है उसकी भी खिचड़ी बनती है। हम मसूर की धुली दाल की भी खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी तो फिर किसी भी दाल की बना लो, चने की दाल की भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन मैं स्पेशली सर्दियों में साबुत मसूर की दाल की बनाना बहुत पसंद करती हूँ। एक तो हेल्दी है, थोड़ा अलग टेस्ट आता है, अच्छी लगती है। चलिए अब डाल लेते हैं हम इसमें अपने मसाले। ये हमने डाल ली हल्दी, साथ ही डाल लिया हमने हमारा ये धनिया पाउडर, और मिर्च तो भाई अगर आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालिए, मैं थोड़ा चटपटा ही प्रेफर करती हूँ मिर्च डालनी। बारी आती है नमक डालने की, ये हम अपना स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। अब गरम मसाला जो साबुत मसाले आते हैं उनको घर में ही भून के पीसिए, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंसी अलग होती है। ये लीजिए, सब कुछ मिक्स कर देती हूँ मैं। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की, तो हम पानी कैसे डालेंगे भाई, जितने हमारे दाल चावल है उसका डबल पानी डालेंगे। तो मैं इसमें ये पानी डाल देती हूँ, ये लीजिए पानी भी डल गया। अब लास्ट चीज जो बाकी रहती है वो है ये अदरक। अदरक को थोड़ा सा मैं इसमें कद्दूकस करके डालूंगी, भाई अदरक को छिलके के साथ ही कसिए, छिलका जो अदरक का होता है काफी स्ट्रांग होता है, छिलका क्यों वेस्ट जाने दे भाई, अच्छी तरह से धो के यूज कीजिए। ये लीजिए हमने अदरक भी डाल दी अपनी, बस सब कुछ डल गया है, इसको हम एक मिक्स कर देते हैं। और अब हम हमारा कुकर बंद कर देते हैं। ये कुकर बंद करके गैस को तेज कर दिया है और बस दो सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। चलिए अब तो हमें कुछ नहीं करना है, बस वेट ही करना है। तो आइए फ्रेंड्स, ये मैंने गैस बंद कर दी है, इसमें करीबन 3 सीटी लग गई है। अब हम कुकर खोल लेते हैं, थोड़ा सा प्रेशर होता है इसमें, ठंडा करना पड़ता है बिल्कुल। और ये मैंने अपना कुकर खोल लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए खिचड़ी मेरी फर्स्ट क्लास बन चुकी है। तो आइए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, भाई वाह मजा आ रहा है देख के, भाई है तो एकदम सिंपल सी रेसिपी, लेकिन यकीन मानिए जब आप खाएंगे इसे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, थोड़ी अलग थोड़ी डिफरेंट खिचड़ी है। इसमें आप और वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, ये और टेस्टी बन जाएगी। ये लीजिए, देखिए मैंने इसमें सर्व कर दी अपनी सर्विंग प्लेट में। अब हमें करना क्या है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर से चॉप्ड हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। ये लीजिए हमने गार्निश कर दिया, और साथ ही ये 1 चम्मच घी ऊपर, घी तो पूरा जम चुका है। ये लीजिए गर्मा गर्म घी, खिचड़ी में घी डालते ही घी एकदम पिघलने लगता है। तो देखिए हमारी ये खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैं तो इसे घी के साथ खा रही हूँ। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि खिचड़ी के चार यार कौन से,
घी अचार, पापड़ और दही। तो आप चाहे किसी के साथ भी खाइए, अचार पापड़ दही घी किसी के साथ भी खाइए, गर्मा गर्म खाइए, खिलाइए और मुझे बताइए आपको ये खिचड़ी कैसी लगी। मिलती हूँ अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।